विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर के 2018 के चुनाव को लेकर के कुछ शिकायतें विश्वविद्यालय के सामने आई थी। खासतौर से मूल सिंह एक उम्मीदवार थे, उनकी शिकायत आई थी जिसका निस्तारण करने के लिए हमने ग्रीवेंस कमेटी के सामने रखी और उन्होंने अपने इस शिकायत में 30 बिंदु बताए थे और उस 30 बिंदुओं पर ग्रीवेंस कमेटी ने अपना निर्णय सुनाया और कहा कि आपने जो बिंदु उठाए हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद में कुलपति के सामने अपील की गई। अपील में जितने भी कैंडिडेट चुनाव लड़े थे उनको सबको बुलाया, उनकी बात सुनी गई। जो फुटेज थे उसके सीसीटीवी के वो फुटेज देखे गए और सबको देखने के बाद में चुनाव अधिकारी के भी बयान हुए, आपके जो ग्रीवेंस कमेटी के जो कमलेश पुरोहित हैं, अवधेश कुमार जी, उनके सबके बयान हुए, छात्रों के बयान हुए, उसको सबको दृष्टिपात देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि छात्र संघ के जो चुनाव हुए थे वो बिल्कुल पारदर्शिता के हिसाब से हुए हैं, उसमें किसी प्रकार की नहीं हुई है गड़बड़ी। और जो मूल सिंह का नामांकन जो बाद में निरस्त किया गया था उस आदेश को मैंने अपास्त कर दिया। और इसके अलावा मूल सिंह की अपील पे शिकायत की थी, उनके डॉक्यूमेंट को हमने मैसेंजर भेज करके कोटा जहां उसने बीटेक का किया था वहां के रजिस्ट्रार से अपने कागजात मंगाए थे और उसमें जो शिकायत वो झूठी पाई गई, उसके कागज सही मिले। सर, चुनावी खर्च के संबंध में भी मुद्दा उठा था। चुनावी खर्च के संबंध में जो मुद्दा उठा था उसमें जो 30 बिंदु जो उन्होंने मूल सिंह ने स्टार्ट में बताए थे उस 30 बिंदुओं के अंदर चुनावी मुद्दा उसमें नहीं था और अपील के स्टेज पे उस मुद्दे को लेना न्यायोचित नहीं था। तो कुल मिलाकर अभी सुनील चौधरी अध्यक्ष बिल्कुल।